हमको धारा मोला बोरिया में बुलाइज रे। डोटासरा का डांस भाटी के मन को नहीं भाया। ये दो विंडो में आपने वीडियो देखी, जिसमें पहली विंडो में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी विंडो में एक युवा नेता उनके ठुमकों पर तंज कस रहा है। दरअसल ये दोनों ही वीडियो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से प्रचार के दौरान की है। दोनों ही वीडियो अब राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल एक वीडियो में गोविंद सिंह डोटासरा एक राजस्थानी गाने पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। इस बीच यहां मौजूद जनता भी उनके डांस के मजे ले रही है और उनका ये डांस जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद से उन पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। उनके इस वीडियो पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से ही निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी ने बड़ा बयान दिया है। उनके बयान की भी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। एक बार आप रविंदर भाटी का ये पूरा वीडियो देखें। हमें हुआ ना कांकर का कि म्याड़ी बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरारी जनता तय कर चुकी है कि हमको धारा मोला मोरिया में बुलाइज रेहा। ध्यान रखिया ए जो म्याड़े सामा बैठोड़ा म्याड़ा भाई है अकाल रा थपेड़ा खाए वे अकाल रा थपेड़ा में ता मजबूत हुआ है कि भल भला रा मोरिया ये था बोला ही मिलिया। अरे भैया ये था इतने नाचो बढ़िया थोड़ी देर पहल में सुने हुआ सही बात कही हुआ सही बात कही कि चार तारीख रो हो सके नाचन रो मौको नहीं मिले इना तक वो नाचे करे आप रो मन तो राजी कर लो। आप अजरक न ऊंची करे नाचो पड़िया। अरे वाह साहब मां तो जानू इतना मोटा लीडर है कोई मोटियारा ना ढंगरो संदेश दे से हे ये मंच ने माथे ठुमका लगाए की साबित कर लू चाहो जनप्रतिनिधि रो काम है कि ये जनता री सेवा करे यारे सुख दुख रे मीना यारे अधिकार रे वास्ते लड़े ए काम कोनी वे कि मंच रे माथे अदरक जेड़ी पवित्र चीज ना ले रहा या नाचे। अरे भागरा भरिया कहीं तो शर्म करो ए मलाड़ी री धरती है ए तपो भूमि है जे देता वीर हुआ जे देता संत हुआ आप ए थाई केड़ा संदेश देना चाहो। भाटी के साथ उनका रैला भी दिख रहा। भाटी की रैली उम्मेदवार राम की रैली और कैलाश चौधरी की नामांकन रैली के बाद अब बाड़मेर की सियासत में बयानबाजी भी जोरों पर चल रही है। हालांकि भाटी जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ हो रही है, वहीं कैलाश चौधरी भी कांग्रेस पर ही कर रहे हैं। ऐसे में ये भी देखने वाली बात है कि भाटी और कैलाश की बयानबाजी से तो साफ ही नजर आ गया है कि दोनों का टारगेट केवल और केवल कांग्रेस है। वहीं डोटासरा के वीडियो पर भाटी की जिस तरह की प्रतिक्रिया आई उससे साफ तौर पर ये साबित हो गया है कि भाटी के लिए असली चुनौती तो कांग्रेस ही पेश कर रही है। ऐसे में उनके बयान भी सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर ही दिख रहे हैं। भाटी भी कैलाश को नंबर 3 पर मानकर चल रहे हैं।